वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डॉक्टर सबा कमर। किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। ओके, ठीक हो गया। मॉल में कैसे आना हुआ? ग्रॉसरी करने। ओह, ठीक हो गया। चलिए जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है जी। पहले मुझे बताएं क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खाई जाती है आपके घर में? खाने में ऐसा क्या? घर में पास्ता बहुत खाया जाता है। आप बनाती हैं? मैं बनाती हूँ। ओके, ठीक हो गया। चलिए मुझे बताएं कि दुनिया का कितने फीसद हिस्सा जो है वो बादलों ने कवर किया हुआ है? सॉरी, कोई बात नहीं। क्या शेयर करोगे? कोट है एक, और वो ये है कि द बेस्ट प्रेपरेशन फॉर टुमारो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे, देन डेफिनेटली यू विल गो फॉर द बेस्ट इन द टुमारो। राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसका ये? कौन? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, इसलिए इतना कोई स्पेसिफाई नहीं है, बस याद है थोड़ी बहुत कोड। चले जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए। चले, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। थैंक यू। वेलकम जी। नाज़रीन ने बहुत अच्छा कोड शेयर किया। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अज़हर। आपका नाम? हमज़ा। कौन सी क्लास में हो? 4। क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, गवर्नमेंट सर्वेंट। चलिए जी, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, ठीक है जी। मुझे बताएं वो कौन सी फसल है जो बड़े आराम से ग्रो हो जाती है, कहीं पे भी लगाई जा सकती है? कौन सी फसल? आई थिंक ये जो हम आटा वगैरह कनक, वो ना जहाँ बर्फ होती वहाँ पे नहीं बनती, बड़े बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्या शेयर करेंगे आप? मैं शेयर ये करूँगा कि जैसे हमारे मुल्क के बारे में नई गवर्नमेंट आई है, और एक बेसिक चीज़ें हैं दो जिस पे मेरा ख्याल है पूरी दुनिया चलती है, और हमें उन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है कि अगर उस बेसिक चीज़ को यहाँ पे कर दिया जाए, ना तो उसमें कोई पैसे लगेंगे ना कुछ, और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। फर्स्ट, एजुकेशन 1 से 10 तक फ्री होनी चाहिए, और ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। गवर्नमेंट लेवल के स्कूल इतने अच्छे हों और उसका जो सिलेबस है वो सेम होना चाहिए। ज़बरदस्त। और नंबर 2, हेल्थ। छोटे छोटे जो ये क्लिनिक खुले हुए हैं, जो हर जगह पे इसी तरह छोटे छोटे स्कूल खुले हुए हैं जो कि एक बिजनेस बना हुआ है, ये बिजनेस ख़त्म कर दिया जाए तो मेरा हमारा मुल्क काफ़ी तरक्की करेगा। वेरी नाइस। और आप क्या सुनाएंगे? जी सुनाओ। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा। जबरदस्त। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू बेटा जी। बाबा है जी। नाज़रीन बहुत प्यारी फैमिली थी, उन्होंने मैसेज बहुत अच्छा दिया। किस शहर से बात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेहरीन। आपका क्या नाम है? जिदान। क्या नाम है? जिदान। क्या मतलब है इसका? इसका लीडर। लीडर, माशाल्लाह बहुत क्यूट है। ओके, चले जी, क्या उम्र है इसकी? 1.5। चले, मुझे बताएं जब बच्चा बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो उसकी बॉडी में कितनी बॉन्स होती हैं? 2 से 6। नहीं पता। ओके, क्या शेयर करेंगे? ब्यूटी टिप बताएं। रात को सोने से पहले अपना फेस वॉश करके अच्छा सा क्लेंजर लगा के फिर सो। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। यू वेलकम जी। नाज़रीन किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अर्शुमा। क्या करते हो? मैं बीबीए। बीबीए कर रहे हो। ओके, मुझे बताओ मॉल में कैसे आना हुआ? मॉल में वैसे ही ग्रोसरी शॉपिंग करने आए थे। अच्छा, मुझे बताओ क्या चीज़ है जो मंथ में सबसे ज़्यादा खाई जाती है घर में? मंथ में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खाई जाती है? हमारे घर में चिकन बहुत ज़्यादा खाया जाता है मंथ में। चिकन, ओके, ठीक हो गया। चलिए सवाल करें। कर लें। मुझे बताएं वो कौन सा जानदार है जिसके जो बेबीज़ हैं वो एग के अंदर ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं? लाइक अगर 8 अंडे पड़े हैं तो 8ों के अंदर जो बेबीज़ हैं ना वो एग टू एग कम्युनिकेट कर सकते हैं? एग टू एग लाइक अभी दुनिया में आने से पहले ही दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। चिकन के? वाओ, सोच लें। पता नहीं मुझे। चिकन इज द राइट आंसर। क्लैपिंग करें अपने लिए। और क्या शेयर करेंगे आप हमारे साथ? शेयर क्या करें आप सब? ब्यूटी टिप सॉन्ग क्या बताएंगे आप हमें? ब्यूटी टिप दे दी आपको बताएं।
बीटी टिप ये है कि सुबह जो लेडीज़ के लिए लड़कियों के लिए आजकल की यंग लड़कियों के लिए मैं यही कहूँगी कि सुबह सुबह उठ के जल्दी गर्म पानी पिएं उसमें नमक डाल के और ये पतले होने का राज है. अच्छा वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए. नमक कितना? नमक आधा चम्मच डाल लें. वही इतना ज़्यादा? ये चुटकी डाल लें. थैंक यू जी. नाजरीन मैं फिर से मेंशन करूँगी, कोई भी टिप का मकसद ये नहीं है कि आप उसको फटाफट अप्लाई कर लें. थिंक वेल, गूगल इट बिफोर कुछ भी कर दें कि नमक जो है वो आपकी बॉडी में जमा हो जाता है. वो इतना इसको इतना नहीं आप खाएं नमक को, वो आपकी बॉडी में बहुत जमा होता है. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, आप खुद ही पतले हो जाएंगे. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? आयमा. आयमा क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ. क्या पढ़ते हो? एमफिल कर रही हूँ. अरे वाह, एमफिल किस चीज़ में? मैथ्स कम्युनिकेशन. अरे वाह, क्या करना है स्टडीज़ के बाद? दोबारा स्टडीज़, पीएचडी. इतना पढ़ के क्या करोगी? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और आई थिंक पढ़ने से लाइफ में डिसिप्लिन आता है. हाँ ये तो है. चलिए जी, उसके बाद फिर क्या करेंगी? उसके बाद मैं राइटर भी हूँ, तो मैं एक ऑलरेडी मेरी बुक पब्लिश होगी तो और बुक्स लिखूंगी. और वाह, हो ये पब्लिश, क्या नाम है? बुक मेरी ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्ट से रिलेटेड एकेडमिक बुक है. अरे वाह ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही गुड हो गया. चलिए जी आयमा, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? हाँ जी श्योर. मुझे बताएं आपके जो कॉटन कैंडी खाती हैं आप? बहुत ज़्यादा. जो जिसने वो इन्वेंट की थी, जिसने बनाई थी, ईजाद की थी, उस बंदे का पेशा क्या था, ऑक्यूपेशन क्या थी उसकी? आई थिंक वो इंजीनियर था, बट आई एम नॉट श्योर. नहीं इंजीनियर नहीं था. फिर पता नहीं. क्या शेयर करोगे? रेसिपी बता दो. फॉरन एक देखो, फॉर एक स्नैक बनाने के लिए एक रेसिपी है मेरी, जो एक प्रॉपर मील भी है. आप आलू काटें, उनको बॉईल करें और फिर दूसरे पैन के अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डालें, उसके अंदर सेसमी सीड तिल है वो फ्राई करें, अपने उबले हुए आलू उसमें डालें, नमक डालें और आपके एक प्रॉपर मील और स्नैक तैयार हो जाए. अरे वाह ज़बरदस्त. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गया. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. जी नाजिन, एक बड़ी एजुकेटेड और वेल मैनेज्ड और डिसिप्लिन लड़की थी हमारे साथ. बड़ा मज़ा आया. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? निमरा. आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? सुहेल अहमद. क्या करते हैं आप? मैं मुलाकात करता हूँ सेक्रेट. ज़बरदस्त. आप क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ सेकेंड ईयर में. ज़बरदस्त. अच्छा जी, मुझे बताएं आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं? मुझे सब कुछ भी अच्छा लगता, नहीं भी लगता. अरे कोई एक चीज़ होती है ना जो आपको पसंद ना हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती. सब पसंद है. खाने में नहीं पूछ रही, ओवरऑल लाइफ में पूछ रही. सब कुछ. आपकी लाइक्स डिसलाइक क्या हैं? हर चीज़ पसंद है, ना पसंदी वाली चीज़ ही नहीं. खाने में हर चीज़ पसंद है मुझे तो. चले जी, ओके. सवाल करते हैं आपसे, ठीक है जी? लच्छा खाते हैं कॉटन कैंडी? जी जी खाते हैं जी लच्छा. जी जी. अच्छा मुझे बताओ, जो जिस बंदे ने वो सबसे पहले बनाई थी, ईजाद की थी, उसका पेशा क्या था, ऑक्यूपेशन क्या थी उसकी? उसका पेशा पहले तो नहीं, ये चीनी से ही बनती है मुझे ऐसे पता. जिस बंदे ने बनाया था उसका पेशा क्या था? उसका पेशा नहीं बनाऊंगे. कोई बात नहीं. क्या शेयर करोगे? यही कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनको तंग ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें और बस. आप क्या शेयर करें? जी मैं शेर सुना देता हूँ जी. चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं. ज़बरदस्त. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. थैंक यू. वेलकम जी नाजिन, बड़ा मज़ा आया. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? गजाला मुमताज़. महनूर गजनपुर. ईमान गजनपुर. कौन सी क्लास में? मैं 3 क्लास में हूँ. 6. क्या करती हैं आप? खाना बनाती हूँ. अरे वाह ज़बरदस्त. अच्छा जी मुझे बताओ कि आपकी लाइक्स क्या हैं, क्या चीज़ पसंद है आपको? मुझे बर्गर पसंद है और ओके पिज्ज़ा पसंद है. खाने में नहीं पूछ रही, ओवरऑल पूछ रही हूँ. लाइफ में क्या चीज़ पसंद है? पेट्स रखना पसंद है? यस. कभी रखा है? हाँ जी. कौन सा? पैरेट. पैरेट रखा है? वाओ ओके. कौन सा पैरेट? ऑस्ट्रेलियन, दूसरा वाला मखाओ, कौन सा है? मखाओ. वाओ ओके. चले जी मुझे बता दें, आपसे मेरा सवाल है, पाकिस्तान की नेशनल वेजिटेबल कौन सी है? मैं
कोई भी बता दे। हाँ बता दें। चा जी सब्जी। सब्जी पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? नेशनल कद्दू, भिंडी, गोभी। एक है। हाँ आलू। एक है भाई एक। अच्छा आलू। I don't know. I don't know. क्या आपका रिलेशन है आपस में? ये मेरी नाना है। वी डू क्लासेस। नानो है। ज़बरदस्त। चले जी फिर मुझे बता दें आप नानो क्या शेयर करेंगी? कैसे मतलब क्या बताना चाहिए? क्या कोफ्ते बनाना? हाँ बताएं। बता दूँ? हाँ कीमे को की गोश्त का कीमा बनाया जाए, उसको ग्लंडर किया जाए, उसमें नमक मिर्च सब्ज मिर्च अदरक लहसुन हर चीज़ मिक्स करके प्याज फिर उसको कोफ्ते बनाए जाए। अरे वाह हाँ। ज़बरदस्त। और आप बताओ। Forget the rest and do your best. Okay, और आप? Fine. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the earth so high, like a diamond in the sky. Zabardast. Lahore News ki taraf se aap logon ke liye. Bahut shukriya. जी नाजरीन इन्होंने बहुत अच्छी रेसिपी बताई, ज़रूर ट्राई करेगा। जी नाजरीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।